अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टैली में मल्टीपल लेजर्स कैसे बनाए जाते हैं तथा जो लेजर्स बनाए गए हैं उन्हें ग्रुप्स के साथ कैसे देख सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंगल लेजर यानी एक समय में एक लेजर बनाना सीखा था। इस वीडियो में हम मल्टीपल लेजर्स यानी एक साथ एक से अधिक लेजर्स बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए आप इससे पहले वाली वीडियो भी जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि सिर्फ वीडियो देखने से लाभ नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। हमने टैली में सिंगल लेजर बनाते समय देखा था कि लेजर बनाते समय हमें उस लेजर से संबंधित ग्रुप भी चुनना होते हैं। वैसे तो हमने आपको पहले जो परिभाषाएं बताई हैं उस आधार पर आप लेजर से संबंधित ग्रुप का निर्णय स्वयं ही कर लेंगे, किंतु कई बार ये निर्णय करने में मुश्किल आती है। ऐसी स्थिति में आप हमारी वीडियो चार्ट ऑफ अकाउंट्स की मदद ले सकते हैं। उसमें हमने बहुत ही सरल तरीके से ग्रुप का निर्णय कैसे करते हैं ये बताया है। यहाँ हमने काम करने में आसानी हो उसके लिए हमें जो लेजर्स बनाने हैं उनके नाम और वे किस ग्रुप के अंतर्गत आएंगे उसकी लिस्ट बना ली है। आगे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते समय हम आपको और अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। इस लिस्ट में दो बातें समझने की जरूरत है। पहली, जब हमने कोई खरीद की होती है तभी हमें उस पर डिस्काउंट मिलता है, इसलिए इस डिस्काउंट को परचेस में से कम करना होता है और यही कारण है कि डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट परचेस अकाउंट ग्रुप में बनाया जाता है। दूसरी, जब हम कोई माल बेचते हैं तभी उस पर डिस्काउंट देते हैं, इसलिए इस डिस्काउंट को सेल्स में से कम करना होता है और यही कारण है कि डिस्काउंट अलाउ अकाउंट सेल्स अकाउंट्स ग्रुप में बनाया जाता है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए ए की प्रेस करें, फिर एल की प्रेस करें और फिर मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए आर की प्रेस करें। देखिए, मल्टी लेजर क्रिएशन विंडो आ गई है। सबसे पहले हमें अंडर ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से उस ग्रुप का नाम सेलेक्ट करना होगा जिसके अंतर्गत हम लेजर्स बनाना चाहते हैं। देखिए, हमें जो लेजर्स बनाना है उनमें सबसे ज्यादा लेजर्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से संबंधित हैं, इसलिए सबसे पहले हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंतर्गत आने वाले सारे लेजर्स बना लेते हैं। उसके लिए यहाँ हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करें। यहाँ हमें एक एक करके उन लेजर्स के नाम देना होंगे जिन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप के अंतर्गत बनाना चाहते हैं। हमने पहले लेजर का नाम टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ टाइप कर दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, अंडर में ग्रुप का नाम जो हमने ऊपर सिलेक्ट किया था यहाँ भी अपने आप आ गया है। अब यदि आपका कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहाँ लिख दें। अब एंटर प्रेस कर दें। अब यहां दूसरे लेजर का नाम दें। इसी तरह हमने सभी लेजर्स के नाम दे दिए हैं। देखिए, नीचे की ओर क्विट और एक्सेप्ट लिखा है और उनके आगे उनकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्यू और ए के नीचे दो लाइंस हैं। इनका मतलब है कि क्विट यानी इस विंडो को छोड़ने के लिए कंट्रोल और क्यू दोनों कीज एक साथ प्रेस करें और यदि आप ये विंडो एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कंट्रोल और ए कीज को प्रेस करें। हम इस विंडो को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एस्केप की प्रेस करके वापस गेटवे ऑफ टैली पर चलते हैं।
अभी हमने किसी एक ग्रुप के अंतर्गत एक साथ कई लेजर्स बनाए, पर यदि आप एक ही साथ अलग अलग ग्रुप के अंतर्गत कई लेजर्स बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, आइए देखते हैं। ए की प्रेस करें, फिर एल की प्रेस करें और फिर मल्टीपल लेजर्स बनाने के लिए आर की प्रेस करें। यहां सबसे पहले हमें अंडर ग्रुप में लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से ऑल आइटम्स सिलेक्ट करना होगा। चूंकि ऑल आइटम्स पहले से ही सिलेक्टेड है तो हमें सिर्फ एंटर प्रेस करना है। अब आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं उनका नाम टाइप करें। हमने टाइप किया परचेज अकाउंट, अब एंटर प्रेस करेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप्स में से हम जो लेजर बनाने जा रहे हैं उससे संबंधित ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। हमने सिलेक्ट किया परचेज अकाउंट्स ग्रुप, फिर एंटर प्रेस कर देंगे। यदि कोई ओपनिंग बैलेंस है तो वो यहां पर टाइप करें। ओपनिंग बैलेंस के बारे में भी हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब एंटर प्रेस कर दें। अब यहां दूसरे लेजर का नाम लिखें और पहले बताई गई प्रक्रिया को दोहराएं। हमें जितने भी लेजर्स बनाने थे उन सभी की डिटेल्स हमने यहां पर टाइप कर दी है। अब कंट्रोल और ए की से इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब एस्केप की से बाहर चलते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने सिंगल लेजर बनाना और इस वीडियो में मल्टीपल लेजर्स बनाना सीखा। आइए अब देखते हैं कि हमने जो लेजर्स बनाए हैं उन्हें ग्रुप्स के साथ कैसे देख सकते हैं। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। लेजर्स को ग्रुप्स के साथ देखने के लिए हमें रिपोर्ट्स में डिस्प्ले में जाना होगा। डिस्प्ले के लिए डी की प्रेस करें। यहां से हमें लिस्ट ऑफ अकाउंट्स में जाना होगा, उसके लिए एल की को प्रेस करें। ये देखिए लिस्ट ऑफ अकाउंट्स के अंतर्गत लिस्ट ऑफ लेजर्स आ रही है। इसकी विशेषता यह है कि यहां हमें ग्रुप्स, सब ग्रुप्स और उनके अंतर्गत बने लेजर्स की डिटेल्स मिल रही है। यहां हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी कंपनी का चार्ट ऑफ अकाउंट्स है। यदि आपको इस लिस्ट में किसी भी ग्रुप, सब ग्रुप या लेजर में कहीं कोई गलती दिखती है तो आप उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। ये देखिए ऑल्टरेशन स्क्रीन आ गई है। ऑल्टरेशन स्क्रीन से आप अपनी गलती को ठीक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। इसके बाद वाली वीडियो में आप जानेंगे सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स में आने वाले डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में। साथ ही देखेंगे लेजर को डिलीट कैसे करते हैं।